फाइनली गाइस मैंने अपनी गेम के अंदर बिग एरोप्लेन का चीट कोड नंबर ले लिया है और आपको भी मैं आज देने वाला हूँ बिग एरोप्लेन का चीट कोड। तो गाइस एक बंदे का कॉल आया था कि भाई मेरे को मिल चुका है चीट कोड इसका एरोप्लेन का, तो जल्दी से चलता हूँ भाई उस भाई के पास और देखता हूँ किस भाई ने मेरे को फ़ोन किया था। और भाई उसने बोला मेरे को सीधा ही कि भाई मुझे पता चल चुका है चीट कोड नंबर, अपनी बिगेस्ट मतलब एरोप्लेन है उसका चीट कोड नंबर मेरे को पता चल गया है, आपको मैं आज देने वाला हूँ। तो गाइज ये तो नहीं है वो बंदा, मेरे को बोला मैं सफ़ेद शर्ट के अंदर मिलूँगा आपको, तो जल्दी से देखते हैं भाई ये वाला बंदा मेरे को तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये हमसे बात ही नहीं कर रहा, हमको सीधा ही इग्नोर मार रहा है गाइज। ये पता नहीं ये वाला ये है क्या और कोई है तो पता नहीं गाइज। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। तो मैं आपको बिगेस्ट एरोप्लेन का चीट कोड नंबर जो देने वाला हूँ ना वो अपनी गेम के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो समय गाइज, तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। यार ये सुन ही नहीं रहा है मेरी, तो यार क्या करूँ गाइज मैं, यार मेरी तो ये सुन ही नहीं रहा है, तो यार क्या करूँ मैं गाइज, ये तो गाइज मेरी सुन ही नहीं रहा है भाई, सुन ले यार तू ही तो है वो, मेरे को ऐसा लग रहा है ये नहीं है वो। तो जल्दी से चलता हूँ गाइज मैं इधर से निकलता हूँ, मैं एक बार और लास्ट टाइम पूछ लेता हूँ। चलो यार ये बंदा है ही नहीं वो बंदा, यार मेरे को इतनी दूर ऐसे ही भगा के ले आया। जल्दी से आगे की ओर देखते हैं भाई, मेरे को उसने बोला था मैं इसी रोड के ऊपर मिलूँगा पर वो मिल ही नहीं रहा है गाइज, ये क्या बात हुई यार, मेरे को बुला लिया और उसने और मेरे को मिल भी नहीं रहा है वो। देखते हैं गाइज आगे चल करके देखते हैं, और भाई वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना, लाइक ज़रूर से कर देना जब भी आपका चीट कोड वर्क करेगा। तो भाई यही बंदा है वो, पूछता हूँ भाई इसने भी टाई लगा रखी है और सफ़ेद शर्ट पहन रखी है, इसके पास पूछता हूँ भाई, भाई तू ये ना जो मेरे को फ़ोन करके बुलाया था कॉल करके बुलाया था भाई, हेलो भाई सुनो तो सही यार, सुन तो लो यार मेरी, सुन तो लो यार भाई, मैं एक बार कॉल मिला करके देख लेता हूँ। ऑल राइट गाइस मैं इसके पास कॉल मिला कर, भाई यही बंदा निकला, मैंने कॉल मिला करके इससे पूछा कि तुम ही बंदे हो ना, तो भाई ये बोला हाँ भाई मैं ही हूँ। तो जब इसको विश्वास हुआ है कि मैंने ही फ़ोन किया था और भाई मैं इतनी जल्दी कैसे भूल सकता हूँ, तो गाइज मैं इसने कहा है मैं चीट कोड तो बता दूँगा, उससे पहले भाई मेरे इसने एक काम करना पड़ेगा, ऐसा बोला इसने कि मेरा एक काम करना पड़ेगा जब भी मैं आपको चीट कोड नंबर बताऊँगा। ये कह रहा पुलिस स्टेशन के ऊपर मेरी एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो गाड़ी को उठा करके मेरे को ला करके दे दो, तो जल्दी से चलता हूँ गाइस इसको इसकी सुपर ला कर, मतलब कौन सी गाड़ी है देखते हैं, सुपर कार बता रहा था ये तो मेरी सुपर कार है, तो देखते हैं कौन सी सुपर कार है या वैसी, मेरे को तो लगता है वैसी ऐसी वैसी होगी। तो देखते हैं गाइस अंदर चलते हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर, भाई ये बंदा रिपोर्ट दे के आया पता नहीं क्या करके आया है भाई पुलिस स्टेशन के अंदर, देख मेरे को लग रहा है भाई गाइस पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी नहीं है और भाई इधर गाड़ी भी खड़ी हुई है, देखता हूँ उसकी गाड़ी कौन सी है, देखता हूँ गाइस मैं, और मेरे को तो पता भी नहीं गाइस उसकी गाड़ी कौन सी है भाई, मेरे को तो पता भी नहीं उसकी गाड़ी कौन सी है यार, उसको कॉल करके पूछना पड़ेगा मेरे को गाइस, अब कॉल करना पड़ेगा यार भी यार, उसको कॉल करके पूछो बार बार यार, वो जब ही नहीं बता देता है कि मेरे भाई ये वाली गाड़ी है आप इसको उठा लो मतलब इसको ले लो जा कर के। तो जल्दी से इसको कॉल कर देता हूँ भाई मैं, हेलो भाई इसको कॉल करना पड़ेगा, मैंने उसका नंबर डायल करके, ऑल राइट गाइज मैंने उससे पूछ लिया है कि वो कह रहा है भाई मेरी रेड कलर के अंदर स्कॉर्पियो खड़ी हुई है, मतलब स्कॉर्पियो खड़ी है उसको उठा लाओ भाई, स्कॉर्पियो S11 भाई रेड कलर में, यार कितनी ज़्यादा औसम लग रही है ये उसकी गाड़ी, तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पता नहीं यार भाई उसने कैसे ली होगी इस गाड़ी को। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से उसको उसकी गाड़ी देता हूँ और चीट कोड लेकर के आपको भी बताता हूँ वो चीट कोड नंबर क्या है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से वापस पहुँचता हूँ गाइज मैं फटाफट से। और भाई इतना अमेजिंग मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमें चीट कोड भी मिल सकता है, मेरे को लग रहा है गाइज मेरे पीछे पुलिस वाले पड़ चुके हैं, पता नहीं गाइज मेरे पीछे पुलिस वाला पड़ चुके हैं गाइज, क्योंकि गाइज मैंने उनकी गाड़ी उठाई थी ना इसलिए। तो गाइज इधर से इस गाड़ी को लेकर उसको दे देता हूँ मैं जल्दी से, भाई मेरा पीछा छूटेगा पुलिस वालों से भी और भाई मेरे को चीट कोड नंबर भी मिल जाएगा। और जल्दी से चलता हूँ भाई, वो किधर मिलेगा बंदा पता नहीं, मेरे को उसने लोकेशन भी नहीं बताई किधर है वो किधर नहीं, यार उसको ढूंढना पड़ेगा यार, अब यार क्या बंदा है वो यार, वैसे ही मेरे पास पुलिस पड़ी हुई है मेरे पीछे
और यार ये बंदा किधर गायब हो गया, मेरे को पता नहीं, उस रास्ते पर तो है ही नहीं वो बंदा। और गाड़ी के अंदर मैं अंदर से मैं उतर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे को पुलिस वाले मार देंगे। यार क्या कर सकूँ, क्या कर सकता हूँ गाइस मैं। यार भाई यार इधर तो कोई भी नहीं है, वो बंदा है ही नहीं भाई, उसको ढूंढना पड़ेगा यार। यार वो बंदा अचानक से गायब हो जाता है यार, फिर दिखता नहीं है ना जब गुस्सा आता है मेरे को। यार एक सेकंड भाई, ये रहा गाइस, इधर डोल रहा था ये, पता नहीं किधर डोलता रहता है भाई तू। अरे यार मैं पड़ गया यार, इस गेट के अंदर अलग करके पड़ गया भाई। सुनो यार, सुनो भाई, हेलो, ये रही तुम्हारी गाड़ी। अरे दिखता नहीं है क्या अंधे साले, तेरे को गाड़ी नहीं दिख रही क्या तेरी? अरे देख ले, मैं नहीं इस साले को मार दूंगा भाई। वो रही तेरी गाड़ी, ले ले आजा, और चीट कोड बता दे मेरे को भाई। इसने चीट कोड तो दे दिया है मेरे को, देखता हूँ ये गाड़ी लेता है भाई। ये गाड़ी देख के देखो घुटनों के बल पड़ गया और रोने लग गया भाई, ये खुद की कार देख करके। गाइस ये क्या है यार, क्या नौटंकी है ये भाई, ये रोने लग गया। देखो यार गाड़ी मिलते ही इसकी इतनी खुशी हो रही है गाइस इस बंदे को। तो गाइस मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ और इस चीट कोड को डाल करके देखता हूँ क्या वो चीट कोड वर्क करता है या फिर हमें उस बंदे ने काट लिया, खुद का भी काम करवा लिया। और भाई उसने चीट कोड भी नहीं दिया तो भाई अपना काट लिया समझो उसने। तो जल्दी से चीट कोड डाल करके देखता हूँ। और मेरे को मिला है भाई 20,000, मतलब 20,000 मतलब 20,000 डायल करना है हमें, 000 भाई। और भाई ये देखो गाइस, मैंने जैसे चीट कोड नंबर डाला और अपनी एयरप्लेन उड़ चुकी है हवाओं के अंदर। और भाई ये ऑटो पायलट की वजह से उड़ रही है। तो गाइस ये अभी तक तो इसका कोई चीट कोड नंबर नहीं आया है, ये तो मैंने वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बना दी थी, ये अभी तक तो कोई भी चीट कोड नंबर नहीं आया है इसका। तो आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और इसका चीट कोड नंबर आपको लेना है तो कमेंट में कर दो एरोप्लेन, टाइप कर दो एरोप्लेन कोड, तो आपकी कमेंट के अंदर आ जाएगा चीट कोड इसका। बाय गाइस।